दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हैं तो आपने KMS एक्टिवेटर का नाम जरूर सुना होगा और KMS एक्टिवेटर से अपनी विंडोज को कभी ना कभी एक्टिवेट जरूर किया होगा या फिर ऑफिस जैसे प्रोडक्ट को आपने एक्टिवेट जरूर किया होगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या KMS एक्टिवेटर का यूज करना सेफ है, क्या KMS एक्टिवेटर ठीक है आप लोगों की विंडोज के लिए अगर आप उससे अपने सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। सो दोस्तों, इस वीडियो को जानने के लिए आप इस टॉपिक को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझसे ये सवाल पूछा था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न समथिंग टेक्निकल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पर मिलते रहें तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, तभी मेरे वीडियोज आपको टाइम पर मिल पाएंगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि KMS एक्टिवेटर से अगर आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को एक्टिवेट करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्टिवेट करते हैं तो ये बेस्ट तरीका है आपके विंडोज़ या फिर आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्टिवेट करने का। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि KMS एक्टिवेटर किस तरह से काम करता है और क्या पैटर्न है इसके काम करने का। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी हो कि KMS एक्टिवेटर को बेसिकली इंट्रोड्यूस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही किया गया था, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स ने ही KMS एक्टिवेटर को बनाया है। और KMS एक्टिवेटर को बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स ने क्यों बनाया है और KMS एक्टिवेटर बनाकर माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स का क्या फ़ायदा हुआ, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा, फिर चाहे विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, 8 हो या 8.1 हो, इन सब की रिटेल कॉपीज करीब 5,000 से 7,000 रुपये तक की आती हैं। तो फिर ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इन सारे सॉफ्टवेयर्स को परचेज करने के लिए, फिर चाहे ऑफिस हो या विंडोज़ हो, आपको माइक्रोसॉफ्ट को पैसा पे करना पड़ता है। लेकिन KMS एक्टिवेटर से आप फ्री में जो है अपनी विंडोज़ और ऑफिस को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ऐसे तो माइक्रोसॉफ्ट को नुकसान हो जाएगा ना, तो फिर क्यों माइक्रोसॉफ्ट अलाउ करता है और क्यों लोग एक्टिवेट कर पाते हैं जो है KMS एक्टिवेटर से अपनी विंडोज़ और ऑफिसेस को, और माइक्रोसॉफ्ट ये पायरेसी रोकता क्यों नहीं है। सो दोस्तों, KMS एक्टिवेटर का मैं पूरा चक्कर आपको समझा देता हूँ। आप ये बात को समझ के रखिए कि KMS एक्टिवेटर वॉल्यूम लाइसेंसेस जो होल्डर्स होते हैं, जो वॉल्यूम लाइसेंस होल्ड करते हैं, जैसे कि बल्क में लाइसेंस खरीदते हैं विंडोज़ का या ऑफिसेस का, जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे कुछ कोई कंप्यूटर लैब है और उसमें जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, करीब 1,000 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो वहाँ का जो ओनर है वो बेसिकली एक बल्क लाइसेंस को परचेज करेगा माइक्रोसॉफ्ट से, मतलब वो लाइसेंस वैलिड होगा 1,000 कंप्यूटर्स के लिए या फिर 2,000 कंप्यूटर्स के लिए या फिर 10,000 कंप्यूटर्स के लिए। तो वहाँ पर बेसिकली वो KMS एक्टिवेटर का यूज़ करके अपने कंप्यूटर्स को इंडिविजुअली हर सिस्टम में की ना डालकर अपने एक एक इंडिविजुअल कंप्यूटर को KMS एक्टिवेटर से, आपको पता होगा कि KMS एक्टिवेटर से जब आप एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ पर बस एक्टिवेट नाउ का बटन आपको प्रेस करना होता है और कुछ छोटी मोटी आवाज़ें आती हैं, उसके बाद आपका जो विंडोज़ है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही बेसिक तरीका है विंडोज़ को एक्टिवेट करने का और बहुत अच्छा तरीका है, और बेसिकली ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट बचाने के लिए यूज़ किया गया है। दोस्तों, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट तो यही चाहता है कि KMS एक्टिवेटर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस करें, स्कूल्स करें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस करें और ऐसे इंस्टीट्यूट्स करें जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं और जो बहुत ज़्यादा जो है अपने कंप्यूटर्स के लिए टेक्नीशियंस को नहीं रख सकते इंडिविजुअली, वो बहुत ज़्यादा जो है कंप्यूटर्स को एक्टिवेट। देखिए, आपको पता होगा कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं तो उनकी विंडोज़ फ्रिक्वेंटली क्रैश होती है। अगर ऐसे में विंडोज़ फ्रिक्वेंटली क्रैश होगी तो उसके बाद जब विंडोज़ को आपको जो है दोबारा से इंस्टॉल करना होगा तो उसके बाद उसमें की भी डालनी पड़ेगी उसे एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पर KMS एक्टिवेटर बेसिकली यही करता है कि अगर आपके सर्वर पर एटलीस्ट अगर 25 क्लाइंट कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं तो फिर आप जो है KMS एक्टिवेटर के थ्रू अपने विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते थे। ये फैसिलिटी माइक्रोसॉफ्ट ने आपको प्रोवाइड की थी। लेकिन आजकल कुछ ऐसे चीटर्स हैं मार्केट में अवेलेबल, या फिर कह सकते हैं आप कुछ हैकर्स ने KMS एक्टिवेटर को एक तरीके से हाईजैक कर लिया और KMS एक्टिवेटर के डुप्लीकेट KMS एक्टिवेटर्स बना के रख दिए। अब KMS एक्टिवेटर आप समझ लीजिए कि ये की मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यहाँ पर ये जो कीज़ होती हैं ये सर्वर पर होती हैं और माइक्रोसॉफ्ट जो है इन कीज़ को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक सेपरेट कीज़ होती हैं ये जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं, क्लाइंट विंडोज़ होती हैं, उनसे अलग होती हैं ये कीज़, और ये सर्वर पर इंस्टॉल्ड रहती हैं। और यहाँ पर ये जो कीज़ होती हैं बेसिकली
जब KMS एक्टिवेटर का कोई बंदा यूज़ करता है तो बेसिकली उनका कंप्यूटर जो है वो सर्वर से कम्युनिकेट करता है और अपने कंप्यूटर के लिए की को एक्टिवेट करने के लिए उस पर्टिकुलर विंडोज़ को सर्वर से की को फैच करता है, उसके बाद आपका सिस्टम एक्टिवेट करता है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि KMS एक्टिवेटर जो है वो जो है एकदम बेस्ट तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है विंडोज़ को एक्टिवेट करने का, बेस्ट तरीका है तो। लेकिन आपका KMS एक्टिवेटर अगर माइक्रोसॉफ्ट का है, जेन्युइन वाला है, तब की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब KMS एक्टिवेटर जो लोग यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ही ना कि KMS एक्टिवेटर जो है वो फ्री में आपके विंडोज़ को एक्टिवेट करवा देगा। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने KMS एक्टिवेटर आपकी विंडोज़ फ्री में एक्टिवेट करने के लिए नहीं बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट ने KMS एक्टिवेटर बेसिकली इसलिए बनाया था कि अगर आपके पास एक बल्क लाइसेंस है, आपके पास बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स का लाइसेंस है, तो फिर आप जो है कुछ सिंपल क्लिक्स में KMS एक्टिवेटर से अपनी विंडोज़ को या फिर अपने ऑफिस को या फिर माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर सकें। दोस्तों, जिस कंप्यूटर में भी विंडोज़ KMS एक्टिवेटर के थ्रू एक्टिवेटेड है, उसका रूल बेसिकली ये है कि 180 डेज के अंदर आपको KMS एक्टिवेटर दोबारा से जो है उस सिस्टम में डाल करके एक्टिवेट करना होता है, तभी आप जो है अपने विंडोज़ का लाइसेंस को कंटिन्यू कर पाते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एक टेम्पररी लाइसेंस होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने आपको परमानेंट लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया है, अगर परमानेंट लाइसेंस प्रोवाइड करता तो वो की के फॉर्म में होता। तो यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको जो है अगर KMS क्लाइंट का आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक इंडिविजुअल कंप्यूटर है आपके पास, तो आपको इंडिविजुअली 7 डेज में, ये तब की मैं बात कर रहा हूँ जब आप जो है माइक्रोसॉफ्ट का जेन्युइन KMS एक्टिवेटर यूज़ करेंगे, तो आपको एवरी 7 डेज में सिस्टम में KMS एक्टिवेटर पड़ा रहता है, सर्वर से कम्युनिकेट करता रहता है और इन 7 डेज में वो जो है एक के बाद एक अपने आप से सर्वर से कम्युनिकेट करता रहता है और पता लगाता रहता है कि आपके पास जो है सिस्टम का जो वॉल्यूम लाइसेंस है वो है या नहीं है विंडोज़ का। और उसके बाद जो है अगर आपके पास वॉल्यूम लाइसेंस होगा तो आपकी विंडोज़ जो है वो फ्लुएंटली वर्क करती रहेगी। दोस्तों, अगर आप ओरिजिनली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया KMS एक्टिवेटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है अगर अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स को एक्टिवेट करना है, उनके विंडोज़ को एक्टिवेट करना है, तो आपके नेटवर्क पर एटलीस्ट 25 क्लाइंट कंप्यूटर्स होने चाहिए, 5 जो है विंडोज़ सर्वर्स होने चाहिए, तभी आप जो है KMS एक्टिवेटर का इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर ऐसे में जो है KMS एक्टिवेटर सर्वर से कम्युनिकेट करने में फ़ेल हो जाता है तो आप जो है सिर्फ 2 आवर्स के बाद ही जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं दोबारा से, तभी आप जो है माइक्रोसॉफ्ट आपको अलाउ करेगा कि जो है 2 घंटे बाद ही ट्राई करिए, तभी आप जो है अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बाई चांस KMS एक्टिवेटर काम नहीं करता है तो आपकी विंडोज़ के नीचे राइट साइड में बॉटम में आपको जो है एक वाटरमार्क दिखाई देगा, वो बेसिकली आपको ये बताएगा कि आपकी जो विंडोज़ है वो एक्टिवेट नहीं हुई है। आप जब फ्यूचर में ट्राई करेंगे, दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे और अगर सर्वर से कम्युनिकेट कर पाएगा आपका KMS एक्टिवेटर, तो फिर डेफिनेटली आपकी विंडोज़ जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब दोस्तों, ये समझते हैं कि अगर आप KMS एक्टिवेटर से अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट करते हैं तो ये सेफ है या सेफ नहीं है। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली इसे अनाउंस किया था, ऑफिशियली लॉन्च किया था KMS एक्टिवेटर को, लेकिन मार्केट में बहुत सारे अनऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नहीं आने वाले अनऑफिशियल जो है सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे KMS एक्टिवेटर्स ऐसे हैं जो कि हैकर्स ने बनाए हैं, अलग अलग इंजीनियर्स ने बनाए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल KMS एक्टिवेटर है उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, वहाँ से 25 कंप्यूटर्स के होने वाली लिमिट को ख़त्म कर दिया गया है, जिस वजह से वो जो पर्टिकुलर KMS एक्टिवेटर है वो KMS सर्वर को बेवकूफ़ बनाता है और वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजता है कि उसके नेटवर्क पर 25 कंप्यूटर्स हैं जो KMS एक्टिवेटर को चला रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वो जो अनऑफिशियल KMS एक्टिवेटर्स होते हैं वो फूल कर देते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं KMS सर्वर को और उसके बाद जो है वो आपकी विंडोज़ को एक्टिवेट कर देते हैं। अब दोस्तों, जिस तरह से वो KMS एक्टिवेटर मतलब KMS के सर्वर को जो है बेवकूफ़ बना सकते हैं, उसे फूल कर सकते हैं, तो क्या वो आपकी जो जेन्युइन विंडोज़ हैं आपके सिस्टम में पड़ी हुई, फिर भले ही आपने माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड की हो और आप सोच रहे हो कि आप उसे KMS एक्टिवेटर से एक्टिवेट करेंगे, सो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर वो जो है सर्वर को फूल कर सकता है तो क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को फूल नहीं कर सकता? क्या आपके सिस्टम में कोई मैलवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। बेसिकली KMS एक्टिवेटर काम क्या कर रहा है, आपकी विंडोज़ को क्रैक कर रहा है एक तरीके से। अब दोस्तों, अनऑफिशियल जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अब KMS एक्टिवेटर किस तरह से काम कर रहा है बैकग्राउंड में, क्या उसकी वर्किंग चल रही है, आप पता नहीं लगा सकते। इसका पता कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही लगा सकता है। सो दोस्तों, ये बात आपको समझनी चाहिए कि अगर आपको KMS एक्टिवेटर का यूज़ करना है तो फिर जो है उस KMS एक्टिवेटर का यूज़ करके आप अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट कर ही नहीं पाएंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने वहाँ पर 25 कंप्यूटर्स की लिमिट रख रखी है।
जो सर्वर पर होने चाहिए। और अगर आप अनऑफिशियल केएमएस एक्टिवेटर का यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट कर लेंगे। लेकिन ये बात आपको याद रखना है कि वो जो अनऑफिशियल केएमएस एक्टिवेटर है वो माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया है, किसी थर्ड पार्टी ने बनाया है या फिर उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, और वो तरीका बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मैं आपको एडवाइज़ नहीं करता उस KMS एक्टिवेटर से आपकी विंडोज़ को एक्टिवेट करने के लिए। अगर आप अपने सिस्टम को नेटवर्क पर लाते ही नहीं हैं, इंटरनेट उसमें चलाते ही नहीं हैं, तब आप KMS एक्टिवेटर से अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप जो है सर्वर से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, जो है इंटरनेट चलाएंगे ही नहीं अपने सिस्टम पर, तो फिर आपका अगर कोई इंटरनल उसमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही होगी कंप्यूटर में, तो आपका कंप्यूटर तो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर ही नहीं रहा है, तो फिर वो डेटा को कैसे भेजेगा हैकर्स के पास। तो उस तरीके से तो आप सेफ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट भी चला रहे हो, KMS एक्टिवेटर से अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट कर रहे हैं, वो तरीका पूरी तरह से गलत है, मैं इसे सपोर्ट नहीं करता हूँ। और ऐसा करना माइक्रोसॉफ्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को भी वायलेट करता है, और ये एक लीगल तरीका है आपकी विंडोज़ को यूज़ करने का। सो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। जितना पॉसिबल हो सका है मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन किया है आपको। सो दोस्तों, अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।